1, 2, 3. हेलो पटना, कैसे हैं आप सब। आज रात में हम लोग निकले हैं ये देखने के लिए कि दीपावली कैसी मनाई जा रही है। तो आज है दीपावली का दिन और दीपावली 2020, ये वही 2020 है जिसमें कोविड आया, पैंडेमिक ने सब कुछ रोक दिया और कई सारे फेस्टिवल इसमें चले गए। लेकिन ये देखिए, दीपावली मनाई जा रही है, कारगिल चौक है और कारगिल चौक पर शहीद जवानों के लिए दीप जलाए जा रहे हैं। काफी अच्छा लगता है ये चीज, काफी अच्छा फील होता है। अभी हम लोग गुजर रहे थे गांधी मैदान से, तो पटना के इस कारगिल चौक पर एक बहुत ही खूबसूरत सा तस्वीर देखने को मिला। वो तस्वीर थी कि यहाँ पर शहीद जवानों के लिए भी दीप जला रहे हैं आज दिवाली के दिन पर। कितने दीप जलाए आपने? 2 दीप जलाए। ये जवान लोग हैं, हमारे लिए सुकून छोड़े हुए हैं। वो शहीद हो गए अपने देश के लिए, देश के लिए वो शहीद हो गए हमारे लिए। वो कारगिल पे बैठे हुए हैं, हमारे लिए शहीद हुए, तो हमारा भी तो कुछ हक बनता है। बिल्कुल, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी यहाँ पर दीप जलाए, उनके साथ दिवाली मनाए, जी सर। चलिए सर, नाइस टू टॉक यू, थैंक यू। ये है कारगिल चौक और यहाँ पर दिवाली मनाई जा रही है। उनके लिए जो सीमा पर सुरक्षा करते हैं, हमारे लिए सीमा पर खड़े हैं, उनके लिए दिवाली मनाई जा रही है। हमारे साथ कुछ यूथ भी है, दीप जलाए यहाँ पे। पटना की अगर बात कर ले तो इस बार थोड़ी सी फीका दिखाई दे रहा है ना पहले के साथ, लेकिन फिर भी यार चलता है। तो अभी टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का, हम लोग निकलेंगे। भाई लोग सेल्फी ले रहे हैं, चलो भाई लोग को सेल्फी के साथ छोड़े जाते हैं हम लोग अभी पटना के और भी अलग अलग इलाकों में। सैल्यूट करना है, दीप जलाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम। आपने जला लिया दीप? जी, अभी तो दीप जला हुआ। तो भैया, दिवाली जो है वो खुशियों का त्यौहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत, और दिवाली मनाते हैं हम लोग दशहरा के बाद। पटाखे कम जलाए जा रहे हैं, कोविड पॉल्यूशन और बहुत सारा रीज़न है उसको ले करके, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये ज़रूर फील हो रहा है ना, अगर कोविड नहीं होता तो और भी अच्छा होता। बहुत सारी जगहों को सजाया नहीं गया है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो मेरे भाई, अगर आप पटना के हो तो ज़रूर लाइक करो। ओ वाह, रात में सजे हुए घर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अभी रात के 8 बज रहे हैं और बिल्कुल भी पटाखों का शोर नहीं है। और ये काली मंदिर जबरदस्त तरीके से पूजा हो रही है यहाँ पर, और लग रहा है ऐसे कि अभी आरती खत्म हुई है। और इस बार दीपावली में चाइनीज लाइटें भी बहुत कम दिखाई दे रही हैं। दिए जलाए गए, मोमबत्तियां जलाई गई हैं, लेकिन चाइनीज लाइट्स बहुत कम। ओए होए 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 होए, कहीं कहीं पे लोग पटाखे भी जला रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं राजा पुल और इधर भी फटा भाई, यहाँ से निकल रहे बोरिंग रोड की तरफ। सड़कों पर सन्नाटा, लाइट भी कम। अभी देखते हैं बोरिंग रोड में क्या हाल है। इस साइड में तो लग ही नहीं रहा किसी ने घर को सजाया है, इधर कहीं कहीं पे दिखाई पड़ रहा है। ये बोरिंग रोड का पंचमुखी मंदिर, यहाँ पर भी लोगों की भीड़ है, बहुत नहीं है बट ठीक है। हम लोग पहुँच चुके हैं बोरिंग रोड चौराहा, और गांधी मैदान से यहाँ तक पहुँचने में वैसी दीपावली तो नहीं दिखी जिस तरह की उम्मीद की थी मैंने, क्योंकि बोरिंग रोड इज़ अ प्लेस यहाँ पर बहुत अच्छी दिवाली दिखा कर दी। लेकिन अभी चारों तरफ देखिए ना, बहुत कम लाइटें लगाई गई हैं। उस साइड में तो थोड़ी बहुत दिख भी रही है, लेकिन इधर बिल्कुल भी लाइटें नहीं है पीछे साइड में। तो कुछ इसी तरह का हाल है इस बार पटना का। हम लोग और भी आगे जाएंगे, घूमेंगे जगह जगह पर, घूम करके देखेंगे कि आखिर किस तरह के सीन क्रिएट हो रहे हैं इस वाले दिवाली में, कैसा लग रहा है, कैसे लोग फील कर रहे हैं। तो ब्लॉग कर रहे थे सर, मिले हैं, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। आपका ब्लॉग बहुत ही अमेजिंग लगता है, और हम लोग बैंगलोर में रहते हैं, हम बिहार में आते हैं, बिहार का ब्लॉग देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। प्लीज़ नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू मैम, थैंक यू। तो अभी यहाँ पर जो है ना, हम लोग खड़े हैं बोरिंग रोड में उस वाले मंदिर के पास जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दिवाली कोरोना की वजह से थोड़ा कम मन रहा है, फिर भी बहुत अच्छा जा रहा है ना। पटाखे लेकिन कम जलाए जाए, पटाखे कम जलाना ही जरूरी है। पटाखे एक तो ज़्यादा जलाने से प्रदूषण होता है, बिल्कुल, और लोगों के जीवन में फिर फर्क पड़ता है, इसलिए पटाखे लोग कम जला रहे हैं। तो काफ़ी थोड़ी जानकार हो गई, होशियार, अवेयरनेस जागरूकता आ गई, जो कि बहुत ही
सर, वी वॉच योर व्लॉग्स एंड वी आर आपसे इंस्पायर होके, लिटरली आपके वीडियो से इंस्पायर होके हम लोग कल एक ट्रिप पे जा रहे हैं। यस सर, इट फील्स रियली ग्रेट, इट्स माय प्लेजर टू मीट ऑल, फील्स रियली ग्रेट टू वॉच समवन पब्लिसाइज बिहार द वे दैट यू हैव बीन एक्सप्लोरिंग फाइनली अप एंड फाइनली अ व्लॉगर दैट वी कैन स्टैंड विद इन राजगीर। वी आर प्लानिंग टू गो टुमारो। हैप्पी दिवाली सर, टेक केयर, थैंक यू। अभी स्कूटी लगा के जस्ट आए। अच्छा अच्छा, आपको देखे तो हैप्पी दिवाली। और यहाँ पर एक और मटर का अश्तिन मिल गया हमें। हाय, हैप्पी दिवाली बोल। हैप्पी दिवाली, माय प्लेजर टू मीट यू, सीरियसली। बाय, मिलते हैं भैया। बाय, ओके। अभी मंदिर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। लिटरली यार, जब आप घर में रहते हो ना तो आपको उतना एनर्जेटिक फील नहीं होता है, लेकिन जब आप बाहर आते हो और आपके मटर गश्तिन्स मिलने लगते हैं तो फिर आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, अंदर से अच्छा लगता है। अभी हम लोग यहाँ से मंदिर से निकले ना, बहुत सारे नए नए स्पॉट्स पर जा करके मुझे शूट करने को मन कर रहा है। प्लेस जहाँ पे थोड़े से पटाखे जलाए जा रहे हैं यार, हम लोग यहाँ पर शूट करते हैं और देखेंगे कैसे ही दीपावली मंदिर इस बार। ओ भाई साहब, कान उड़ जाएगा भाई, इतने ज्यादा शोर है। अब अभी ये जो है ना बड़ा वाला, ये तैयार करना कोई चीज है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस यार, सीरियसली मेरे को नहीं पता ये क्या है। ये है पटना की, क्योंकि इस बार 2020 में हो रही है जबरदस्त। भैया माचिस जलाई जा चुकी है, 1 2 3। भाई चटाई बम का खतरनाक वाला एक्सपीरियंस लेने के बाद अब हम लोग पटना के डिफरेंट लोकेशन पर निकल रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। सीरियसली मैं घर से सोच कर निकला नहीं था कि इतना ज़्यादा मज़ा आएगा आज दीपावली के दिन में, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। राजवंशी नगर वाला जो लड्डू है ना वो मस्त है सर। और ये नवेदम महावीर मंदिर के पास आपको मिलता होगा, और ये वाला उससे डिफरेंट है क्या कि वैसा ही है? आपके नवेदम में क्या खास है? हम लोग के नवेदम में बहुत खासियत इसलिए है कि ये जो हम लोग स्टाफ है, हम लोग का 40 साल से वर्क कर रहा है। अच्छा। और वो बनाता तो अच्छे तरह से बनवाता और हम लोग भी इसको गाइड करते हैं और गाइड करके उसमें बहुत तरीके के चीज़ डलवाते हैं, सूजी हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, इलायची हो गया, और बहुत मतलब बहुत तरीके के चीज़ से इसको भुजवा के अच्छे क्वालिटी, मतलब पहले तो
उतना अच्छा क्वालिटी नहीं था, करते 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 आज 10 साल 12 साल बाद इसकी क्वालिटी उस लाइक ला दी है और लोग खाते भी हैं, बाहर से भी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, तो पैक करवा के बैंगलोर। और ये वाली जो दुकान है ना, यहाँ पर मेरे पापा भी खा रहे थे और हम लोग भी खा रहे थे। चाय अल्टीमेट होती है भैया, कभी आकर के आप भी टेस्ट करिए। कान फट गया भाई। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड किया जा रहा है। हम लोग निकल रहे हैं घर। पटना में दिवाली 2020 सेलिब्रेट हो गई है, अभी घर जा रहे हैं। जोर से चिल्ला रहा हूँ इसलिए क्योंकि आवाज पता नहीं शायद तो पहुंचेगी कि नहीं। भाई साहब, अगर अभी तक ब्लॉग में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको भाई साहब मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।